नवादा रेप कांड मामले में आरजेडी के निलंबित विधायक राज बल्लभ यादव के साथ पांच अन्य भी दोषी करार दिए गए हैं। पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपीएमएलए कोर्ट ने राज बल्लभ को आजीवन कारावास की सजा के साथ 50,000 का आर्थिक दंड भी लगाया है। वहीं सुलेखा देवी और राधा देवी को उम्र कैद के साथ 20,000 का जुर्माना, चुन्नी कुमारी, संदीप सुमन और छोटी की सजा। जस्टिस परशुराम सिंह यादव के कोर्ट ने सुनाई है सजा। माना जा रहा है कि सजा मिलने के बाद अब राज बल्लभ यादव चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि नवादा बलात्कार कांड में आरोपित आरजेडी से निलंबित विधायक राज बल्लभ यादव समेत अन्य पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। इससे पहले बीते 4 दिसंबर को हुई सुनवाई के बाद विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने आरोप पत्र पर दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि दोनों पक्षों की करीब 4 महीने तक गवाही चली। अभियोजन की ओर से 22 और बचाव पक्ष की ओर से 15 गवाहों ने गवाही दी थी। बता दें कि वर्ष 2016 के फरवरी में एक नाबालिग से बलात्कार किए जाने के एक मामले में जून 2016 में निलंबित राजद विधायक राजबल्लभ यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। इसमें लालू यादव के करीबी राजबल्लभ यादव के अलावा संदीप सुमन उर्फ पुष्पंजय कुमार, राधा देवी, राधा की बेटी सुलेखा देवी, छोटी उर्फ अर्पिता और टीशु कुमार अभियुक्त बनाए गए थे। पुलिस ने मामले में आरोप पत्र 20 अप्रैल 2016 को दायर किया, जबकि अदालत ने संज्ञान 22 अप्रैल 2016 को लिया था। अदालत ने आरोपितों के खिलाफ 6 सितंबर 2016 को आरोप गठित किए थे। बिहार शरीफ कोर्ट में गवाही 15 सितंबर 2016 को शुरू हुई थी और बहस भी पूरी हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश और एमपीएमएलए कोर्ट के गठन के बाद सारे रिकॉर्ड ट्रायल के लिए पटना में विशेष अदालत को भेज दिए गए थे। 9 फरवरी 2016 घटना के 3 दिन बाद पीड़ित लड़की ने बिहार शरीफ महिला थाना में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में उसने जिक्र किया कि वो फोटो देखकर दुष्कर्मी की पहचान कर सकती है। 10 फरवरी 2016 नालंदा पुलिस ने पीड़ित लड़की से इंग्लिश पथरा और गिरियक स्थलों की पहचान कराई। 6 फरवरी 2016 विधायक राज बल्लभ यादव पर बिहार शरीफ की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का आरोप लगा। लड़की को बर्थडे पार्टी के बहाने पड़ोस में रहने वाली सुलेखा देवी ने नाबालिग को विधायक के पास ले गई। आरोप है कि विधायक उसे धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। 13 फरवरी 2016 दुष्कर्म पीड़ित लड़की ने विधायक की फोटो को देखकर पहचान की। डीआईजी शालीन ने नवादा विधायक राज बल्लभ यादव की गिरफ्तारी का आदेश दिया। 14 फरवरी 2016 जांच के लिए फोरेंसिक टीम इंग्लिश पथरा आई। 15 फरवरी 2016 विधायक के पास लड़की को पहुंचाने वाली सुलेखा का कथित पति अरुण गिरफ्तार। विधायक को राजद ने पार्टी से निलंबित कर उससे स्पष्टीकरण मांगा। 16 फरवरी 2016 नवादा के राजद जिला अध्यक्ष ने प्रेसवार्ता कर विधायक के 18 फरवरी को सरेंडर करने की घोषणा की। पुनः कोर्ट से आदेश लेकर फॉरेंसिक टीम जांच के लिए इंग्लिश पथरा गांव पहुंची। 17 फरवरी 2016 विधायक राज बल्लभ की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई। 19 फरवरी 2016 पुलिस ने राज बल्लभ व आरोपी सुलेखा के दामाद संदीप को हिरासत में लिया। 20 फरवरी 2016 निचली अदालत ने विधायक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। 22 फरवरी 2016 विधायक सहित आरोपियों की संपत्ति जब्त करने को ले अदालत ने इश्तेहार जारी किया। बिहार शरीफ जेल में बंदी के दौरान विधायक पर अन्य बंदियों को भोज देने का आरोप लगा। जेल में बंद रहने के दौरान पिता की मृत्यु के बाद पेरोल पर नवादा पहुंचे विधायक। बिहार शरीफ जेल से विधायक को पटना बेऊर जेल ट्रांसफर किया गया। 23 फरवरी 2016 नालंदा पुलिस ने विधायक के पथरा इंग्लिश आवास व सुलेखा के बिहार शरीफ स्थित घर पर इश्तेहार चिपकाया। 25 फरवरी 2016 विधायक के पास लड़की ले जाने वाली सुलेखा देवी सहित 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुलेखा ने विधायक के पास लड़की पहुंचाने की बात स्वीकार की। 26 फरवरी 2016 नवादा के इंग्लिश पथरा गांव में विधायक के आवास पर फिर पहुंची फॉरेंसिक टीम। 27 फरवरी 2016 बिहार शरीफ की अदालत ने विधायक की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया। 28 फरवरी 2016 पुलिस विधायक की पथरा इंग्लिश और पटना स्थित आवास पर संपत्ति कुर्की जब्ती करने की कार्रवाई शुरू की। 10 मार्च 2016 विधायक राज बल्लभ ने बिहार शरीफ न्यायालय में सरेंडर किया। पटना से बिफोर प्रिंट की रिपोर्ट।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।